डार्क वेब, इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जहां की आम लोगों का आना मना है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो चीजें गूगल खोज पाता है वो टोटल इंटरनेट का यानी टोटल वेब का बस 4% ही होता है और बाकी 96% जानकारियां डार्क वेब में छुपी हुई होती हैं। और इस डार्क वेब में हम कुछ खास ब्राउजर से ही जा सकते हैं और उनमें से एक है Tor the Onion Router। ये ब्राउजर आपके पीसी की पहचान को छुपा देता है जिससे आपको कोई खोज भी नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति को एनोनिमिटी कहते हैं। डार्क वेब का यूज लीगल और इलीगल दोनों तरह से होता है। इसका इस्तेमाल पुलिस, साइंटिस्ट और डॉक्टर अपनी गुप्त जानकारियां छुपाने में करती हैं, पर इसका ज़्यादातर इस्तेमाल इलीगल कामों के लिए होता है, जैसे कि गन बेचना, ड्रग्स, गैम्बलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिडन विकिपीडिया और बहुत सारे इलीगल काम। और इन सभी कामों के लिए ऑनलाइन करेंसी बिटकॉइन का इस्तेमाल होता है और एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $1,000 होती है। क्या मुझे ये सब करना चाहिए? शुड आई स्टार्ट? यस यस आई हैव टू। I'm going in for murder. Oh, pay attention, Mr. Officer. Never gonna catch me, you're never gonna catch me. No. You are gonna waste your time. You are gonna waste your time. Your time. PC has become anonymous. No, nobody can track my IP address. No one can. I can do any kind of illegal activities. Or मुझ तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा. कोई भी नहीं. पर मुझे हैकर्स से बच के रहना होगा. क्योंकि डार्क वेब भी उनका घर होता है. अच्छा, मैंने जो वो बिटकॉइन से इकट्ठा किए थे उससे मैं क्या खरीदूं? मैंने तो कर लिया। अच्छा, एक बार फिर से सिक्योरिटी चेकअप कर लेता हूं। सब ठीक तो है ना? एंटीवायरस वर्किंग, फायरवॉल एक्टिवेटेड, आईपी प्रॉक्सी वर्किंग, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, व्हाट इज माय करंट लोकेशन? शोइंग फ्रांस। अभी तक तो सब ठीक ही है। बेकार में ही निकलूं ये रह रहा था। कितना आसान है ये सब करना। हेलो हेलो निखिल। हाँ, जानते हो आज तेरे भाई ने क्या किया? क्या किया?
चल गेस कर। साले क्या तुमने डार्क वेब तो नहीं? अरे हाँ हाँ, तू सही सोच रहा है, मैं डार्क वेब में घुस चुका हूँ। क्या कैसे तुमने इसे? तेरे भाई के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और जानता है बिटकॉइन से कुछ खरीदा भी है। क्या क्या? ड्रग्स। साले तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू फंस भी सकता है। अरे यार चिल कर, तू बेकार में ही टेंशन ले रहा है। मुझे डार्क वेब में कुछ भी नहीं हो सकता। आखिर मैंने एथिकल हैकिंग की पढ़ाई ही किस दिन के लिए की थी? हाँ चल ठीक है ठीक है, कल मिलते हैं, अभी मुझे कुछ काम है। हाँ चल बाय। लगता है बगल के घर में कोई आया है, सीसीटीवी से चेक कर लेता हूँ। लगता है शर्मा जी के यहाँ कोई आया। Who are you? अरे ये आवाज कैसी? मैंने पूछा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? Oh my God! My PC got hacked. किसी ने मेरा PC हैक कर लिया। मुझे जल्दी से अपना PC बंद करना होगा। अरे ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो आए हो। तुम अपना PC बंद नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे PC पे अब मेरा कंट्रोल है। पर हाँ, पावर सप्लाई जरूर बंद कर सकते हो, पर क्या फायदा? आखिर कौन हो तुम? मेरे PC में क्या कर रहे हो? तुमने तो जाने अनजाने में अपने PC का कंट्रोल मुझे दे दिया। पंकज यही नाम है ना तुम्हारा? तुमने मेरे सारे पर्सनल डाटा चुरा लिए। कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बिटकॉइन इतने आसानी से ले सकते हो? वो बिटकॉइन तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे कमाए थे, मेरे थे वो। लगता है तुम नए हो यहाँ पे। यहाँ जिसके हाथ जो लगता है वो उसी का हो जाता है। इतना डर क्यों रहे हो? मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। और कुछ कर भी नहीं पाओगे। Oh my God! उन्होंने मेरे सारे डाटा हैक कर लिए। ईमेल पासवर्ड सेंड करता हूँ। ईमेल पासवर्ड। हाँ। ईमेल पासवर्ड। रॉन्ग पासवर्ड। ओह नो। मैसेज। एक और मैसेज। Never gonna catch me, you're never gonna catch me. No.